मेरे अलावा 16 बॉक्सर हैं जो कि जिन्होंने क्वालिफाई किया और काफ़ी अच्छे बॉक्सर हैं, लेकिन मैं इनमें करीब 4 से 5 बॉक्सर्स को मैं यूँ मानती हूँ जो कि बहुत अच्छे हैं, जिनमें वेल्स हो गया, नीदरलैंड है, मोरक्को है और चाइना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इंद्रनील बासु। टुडे वी हैव चैंपियन ऑफ अ बॉक्सर पूजा रानी विद अस ऑन ओलंपिक ड्रीम। वेलकम पूजा ऑन ऑन ओलंपिक ड्रीम, माय ओलंपिक ड्रीम। ये हमारा ड्रीम है, आपका भी है, हमारा भी है। थैंक यू। बहुत वेट कर रहे हैं कि यू नो समथिंग रियली नाइस हैपेंस। इतना सारे प्रेपरेशन हुआ है टू गेट वेयर यू हैव गॉट। इट्स एन अमेजिंग जर्नी यू हैव टेकन। देखिए प्रिपरेशन तो काफ़ी अच्छी चल रही है। अभी मैं इटली में हूँ और पिछले 2 वीक से हम यहाँ पे हैं इटली में, और यहाँ पे काफ़ी और कंट्रीज़ भी आई हुई हैं, जैसे मेरे ही वेट में 3 लड़के हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है, पनामा है, इक्वाडोर है और पोलैंड है, तो उनके साथ हमारी स्पारिंग हो रही है, तो काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन चल रही है। बहुत स्टोरी सुने आपके बारे में कि टू फाइट विद योर फैमिली टू मेक देम कन्विंस कि मैं आप बॉक्सिंग कर सकते हैं, और लुक एट द वे ऑफ टेकिंग वो, व्हेन यू लुक बैक, अब जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या दिमाग पे आता है अभी? देखिए जब हम बॉक्सिंग, ये गेम जो है, नाम ही एक ऐसा है कि बॉक्सिंग सुनते ही हर किसी को ये होता है कि हाँ इसमें मारना पीटना बस यही है, तो जब स्टार्टिंग में मैंने करनी शुरू करी तो मेरे घर वालों को भी यही हुआ था कि हमारी लड़की पिटने वाली है, उनको ये नहीं था कि पीटने वाली है, उनको ये था पिटने वाली है। तो उनको ये था कि इसमें चोट लगेगी और ऐसे करके, तो अगर हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हमें ऐसे छोटी मोटी चोट तो लगती ही रहती है, तो अभी अब इन सब ये जो चोट है इनका इतना फर्क नहीं पड़ता है। रियो में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, बट द वे यू took that journey, that you know, that blow on your body ki hum theek hai, hum ladenge aur hum ladki jeetenge, to ye jo journey tha jab you know reject ho jata hai to wo kitna tough tha aapke liye? Us time pe kahin na kahin main disappoint ho gayi thi, aur fir baad mein maine coach ko bhi bola ki abhi mujhe nahi karni hai boxing, to wo bole ki tu thode din aaram kar aur baad mein hum karenge, aise mat bol ki nahi karni hai, tu ek mahina rest kar apna, lekin jab hum ye sochte hain ki mujhe nahi karna hai ya fir aise, तो वो चीज़ें हमें अपने आप हमसे दूर होती चली जाती हैं, या फिर हम सोचते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए चाहिए, तो वो अपने आप हमारे पास आने लग जाती है। तो ऐसा ही उस टाइम पे हुआ कि मैं यूँ कर रही थी मुझे नहीं करना है नहीं करना है, तो चल भगवान ने सोचा इसको नहीं करना है तो नहीं करने देते हैं, मेरा हाथ भी जला उस टाइम पे और मेरे शोल्डर में भी इंजरी हुई, तो करीब 2 साल मेरे उस टाइम पे खराब हुए। उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत हूँ और मुझे मतलब करना है, मतलब उस टाइम पे यूं था कि मैं बॉक्सिंग को नहीं छोड़ सकती हूं, मुझे करना है और मैं कर नहीं पा रही क्योंकि मुझे इंजरी थी। जब टोक्यो पोस्टपोन हुआ तो व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस? कोविड की वजह से हम ट्रेनिंग नहीं कर पाए, फिर जब पता चला कि अभी बस 6 मंथ बाकी, फिर टेंशन होने लगी कि ओ अब तो आ गया, अब कैसे करेंगे कैसे करेंगे, तो फिर हमने बोल के BFI से हमने कैंप स्टार्ट करवाए और उसके बाद में हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, और हमें करीब 3 से 4 टूर्नामेंट भी मिले। अभी रिसेंट हमने एशियन चैम्पियनशिप खेला तो उसमें भी इंडिया की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, एक गोल्ड लड़कियों में आया था और एक गोल्ड लड़कों में आया था, तो कहीं ना कहीं इसमें कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो काफ़ी बूस्ट होता है, और हमें मतलब एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम और भी आगे अच्छा कर सकते हैं। ये हरियाणा हरियाणा का मिट्टी में कुछ राज है, कुछ ताकत है, एक्स्ट्रा कुछ ताकत है कि रोहतक भिवानी दैट एरिया से इतने सारे बॉक्सर्स, इतने सारे पावर स्पोर्ट्स जिसको बोलते हैं, कैसे ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, व्हाट इज द सीक्रेट, और मिट्टी में कुछ है क्या? देखिए हरियाणा जो है बोलते हैं दूध दही का खाना, वो तो स्टार्टिंग से ही रहा है हमारा, और दूसरा जो है हरियाणा में रेसलिंग होगी, बॉक्सिंग होगी, जिसमें जो ज्यादा मतलब ये मार धाड़ के जो गेम है वो ज्यादा करते हैं हरियाणा में, और बॉक्सिंग का अगर भिवानी में ही अगर आप देखोगे तो भिवानी में करीब आपको 10 से 12 अकेडमी आपको बॉक्सिंग की मिल जाएंगी। बॉक्सिंग का 2008 से पहले मुझे पता भी नहीं था, और 2008 में जैसे विजेंद्र का ओलंपिक में मेडल आया और अखिल कुमार के बारे में मैंने सुना, तो ये दो ही बॉक्सर थे जिनके बारे में मैंने सुना बहुत ज़्यादा, और तभी मुझे बॉक्सिंग के बारे में पता चला था कि बॉक्सिंग भी एक गेम होता है, और फिर नेक्स्ट ईयर ही मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट कर दी। यू हैव ऑलवेज हैड अ नेचुरल टैलेंट टू बॉक्स,
बॉक्सिंग जो है ये एक टेक्निकल गेम है, हर कोई सोचता है कि इसमें जिसमें ज्यादा पावर होगी कोई मार देगा तो ऐसे जीत जाएगा या मर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बहुत पावरफुल लोग भी हारते हैं सिर्फ और सिर्फ टेक्निक की वजह से। और जहाँ पे हम ओलंपिक गेम्स इस लेवल की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे सभी चीज़ें आपकी इक्वल होनी चाहिए, चाहे आपकी टेक्निक है, आपकी पावर है, मतलब सारी चीज़ें इक्वल होंगी तभी आप जीत सकते हैं। Which country, which boxers from which country are going to compete really hard against Pooja Rani? देखिए वैसे तो सारे बॉक्सर अपने अपने कंट्री से अपने अपने कॉन्टिनेंट से क्वालिफाई करके आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे बॉक्सर हैं सारे। मेरे वेट में 17 बॉक्सर हैं, तो मेरे अलावा 16 बॉक्सर हैं जो कि जिन्होंने क्वालिफाई किया और काफ़ी अच्छे बॉक्सर हैं, लेकिन मैं इनमें करीब 4 से 5 बॉक्सर्स को मैं यूँ मानती हूँ जो कि बहुत अच्छे हैं, जिनमें वेल्स हो गया, नीदरलैंड है, मोरक्को है और चाइना, ये जो है इनको ये काफी अच्छे बॉक्सर्स। How do you rate the achievement of Mary Kom? I mean, she's also quite an inspiring figure in Indian sports. वो अपने आप में मैं बोलूँगी बहुत बड़ी हमारे लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि उन्होंने करीब इतने सारे मेडल्स जीते, वो 6 time वर्ल्ड चैंपियन है, 5 time एशियन चैंपियन है, कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन, मतलब उनकी बराबरी तो मुझे नहीं लगता कोई भी इस वर्ल्ड में कर पाएगा। When India do well, आपने बताया जो proud feel होता है अंदर, when anthem is in the background and you're on the podium, वो feeling ही अलग है, isn't it? हाँ बिल्कुल, अभी जो है हमारे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, जैसे अगर मैं घर में भी कॉल करूंगी तो मेरे पापा बोलते हैं कि भिवानी के लोग हैं या फिर मेरे गांव के लोग हैं, सब यूँ बोलते हैं अब की बार तो बेटी पक्का मेडल लेके आएगी, अब की बार जरूर ओलंपिक में मेडल लेके आएगी, तो ये सब चीजें मैं सुनती हूँ, मेरे घर वालों की जब मैं खुशी देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। Wishing you all the best. Thanks for coming on my Olympic dream and keep smiling and keep winning. Okay, thank you so much.